अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्किल्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप अगर नए पे की हेल्पर नंबर पर कॉल करना चाहते हैं और इनके नुमाइंदे से बात करना चाहते हैं तो आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप नए पे की हेल्पर नंबर पर कॉल कैसे कर सकते हैं, इनके नुमाइंदे से बात कैसे कर सकते हैं या नए पे के हेल्पर नंबर क्या है। आपका अगर नए पे के अंदर अकाउंट है और उसमें कोई मसला आ रहा है या आप नए पे के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप इनकी हेल्प नंबर पर कॉल करके अपने मसले को भी हल कर सकते हैं और कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वहाँ से ले सकते हैं। तो आप इनकी हेल्प नंबर पर कॉल कैसे कर सकते हैं या इनकी हेल्प नंबर क्या है, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर जाते हैं और इनकी हेल्प नंबर पर कॉल करते हैं। तो हम मोबाइल की स्क्रीन पर जो वो आ चुके हैं, सबसे पहले मैं इनकी हेल्प नंबर आपको बताता हूँ, उसके बाद हम इस पर कॉल भी करेंगे। तो यहाँ पर मैं नया पे ऐप को ओपन करता हूँ और यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं थ्री लाइन, इस पर मैं अगर क्लिक करूँ तो यहाँ पर आपको ये देख सकते हैं कॉल हेल्पलाइन, इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर आपको दो नंबर मिल जाते हैं, ये इनके दोनों नंबर हैं। अगर आप लोकल कस्टमर हैं इनके, मतलब पाकिस्तान के रहने वाले हैं, तो आपने इस पर कॉल करनी है जो ऊपर वाला नंबर है। अगर आप इंटरनेशनल इनके यूज़र हैं, यूएसए हैं, तो आपने ये दूसरा जो नंबर है इस पर कॉल करनी है, ठीक है। तो आपने फिर इसको सेलेक्ट करके कॉल करनी है। तो हाँ, मैं पाकिस्तानी हूँ तो ये ऊपर वाला नंबर, इस पर मैं आपके सामने भी कॉल करता हूँ तो आपने भी इस नंबर पर कॉल करनी है। तो यहाँ पर मैं कॉल पर क्लिक करूँगा तो ये नंबर डायलर पर आ जाएगा और उसको अभी हम इस नंबर पर कॉल करते हैं। उर्दू के लिए स्टार दबाएं। मेन्यू में से अपना ऑप्शन मुंतखब करें। याद रहे कि हमारा कस्टमर सपोर्ट ऑफिसर आपसे आपकी एम पिन कभी नहीं पूछेगा। अगर आपका डेबिट कार्ड गुम हो गया है या आपको यकीन है कि आप फ्रॉड या चोरी का निशाना बने हैं तो बराह करम एक दबाएं। अगर आपका अकाउंट लॉक हो गया है या आप अपनी एम पिन दोबारा सेट करना चाहते हैं तो दो दबाएं। शिकायत के इंदराज के लिए तीन दबाएं। दीगर मालूमात के लिए चार दबाएं। अगर आप नई शिकायत रजिस्टर करना चाहते हैं तो एक दबाएं। अगर आप किसी मौजूदा शिकायत की सूरत आप नया पे ऐप इस्तेमाल करके किसी भी तनाजे का इंदराज करा सकते हैं, ऐसा करने के लिए होम स्क्रीन के ऊपरी बाएं कोने में मौजूद मेन्यू के आइकॉन को दबाएं। इसके बाद डिस्प्यूट सेंटर खोलने के लिए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेलेक्ट करें। अब न्यू डिस्प्यूट दबाएं और अपने तनाजे की तफसीलात पूर करें। आखिर में कार्रवाई मुकम्मल करने के लिए फाइल डिस्प्यूट बटन दबाएं। अब आपका तनाजा डिस्प्यूट सेंटर में एक्टिव डिस्प्यूट टैब के तहत लिस्ट में शामिल हो जाएगा। आप ऐप पर किसी भी वक्त अपने तनाजे की सूरत हाल चेक कर सकते हैं। अगर आप कस्टमर सपोर्ट ऑफिसर से बात करने को तरजीह देते हैं तो बराह करम सिफर दबाएं। बराह करम इंतजार फरमाएं। आपकी कॉल कस्टमर सपोर्ट ऑफिसर को मुंतकिल की जा रही है। क्वालिटी को यकीनी बनाने के लिए ये कॉल रिकॉर्ड की जा सकती है। वालेकुम सलाम। तो मैंने आपके सामने इनकी हेल्प नंबर पर कॉल भी की है और नुमाइंदे ने मुझे बोला भी है सलाम वगैरह की, लेकिन मैंने उसको जवाब दे दिया, लेकिन मैंने बात नहीं की क्योंकि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए थी। लेकिन अगर आपको कोई मसला आता है तो आप इनकी हेल्प नंबर पर कॉल करके नुमाइंदे से बात कर सकते हैं। दोबारा मैं आपको बताता हूँ, आपने नए पे ऐप में आना, ये थ्री लाइन पर क्लिक करना है, कॉल हेल्प नंबर पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको दो नंबर मिल जाते हैं। अगर आप इंटरनेशनल इनके यूज़र हैं तो आपने इंटरनेशनल नंबर पर कॉल करनी है और अगर आप लोकल हैं तो आपने लोकल नंबर पर कॉल करनी है। अब उन्होंने मुझे उस नंबर पर दोबारा भी कॉल की है क्योंकि मैंने कॉल कट कर दिया है, तो आप कॉल कट कर लें तो शायद दोबारा भी आपको कॉल कर दें। तो ये इनके दोनों नंबर है, इस पर आप जब वो कॉल कर सकते हैं और नुमाइंदे से बात कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ वाले बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।